महिलाओं का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग वो होता है गर्भाशय, जिसको हम पच्चादानी कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। तो क्या आप लोग अपने यूट्रस का, अपने गर्भाशय का ख्याल रखती हैं? क्या आप प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उसको सही स्थान पर रख रही हैं? कहीं वो नीचे खिसक कर तो नहीं आ रहा? यूट्रस प्रोडक्ट, जिसे हम पच्चादानी नीचे खिसकने लगती है, वह समस्या तो नहीं हो रही है? अगर ऐसा है तो आज से ही आप यह योग अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और अपने यूट्रस को ऊपर की तरफ, जिस जगह पर वह होता है उस जगह पर अच्छे से रखिए। और यूट्रस सॉलिड, पच्चादानी का नीचे नहीं सकना, अनहेल्दी यूट्रस जो होता है, कई बार इसमें सूजन आ जाती है, गांठें आ जाती हैं, इन सबसे भी हम बच सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ योग अभ्यास बताने वाली हूँ, जिसे हर कोई कर सकता है, सारी महिलाएं कर सकती हैं, किसी भी एज से लेकर किसी भी एज तक कर सकती हैं, आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर यह डिपेंड करता है। यह योग अभ्यास अगर महिलाएं करती हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सबसे आसान सा योग अभ्यास, जिसके लिए आपको सीधे लेट जाना है। बाद आपको दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और दोनों हाथों से अपने एंकल को फोल्ड करेंगे। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी कमर को उठाएंगे, थोड़ी देर सांस को होल्ड करेंगे और कमर को ऊपर की तरफ रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। जब आप ऊपर की तरफ कमर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लोअर एब्डोमिन का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर आपको थोड़ा रिलीज हो, थोड़ा प्रेशर कम लगेगा। तो यही आपको फील करना है, जिससे कि आपका यूट्रस जो नीचे की तरफ खिसक रहा है वो वापस ऊपर की तरफ आने लगेगा और आपकी जो मांसपेशियां हैं जो यूट्रस को पकड़ के रखती है वह भी मजबूत होने लगेगी। चलिए इस योगाभ्यास को आपको कम से कम तीन से पांच बार करना है। जब आप ऊपर कमर को लेकर जाएंगे आप करीबन 15 से 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। यह हुआ हमारा एक योग अभ्यास। इसके बाद आप दोनों पैरों को जिस तरह से तिथि आसन में कर लेते हैं, इस तरह से हम पैरों को करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक हम पैरों को जिस तरह होल्ड करके रखेंगे। तो अभी मैंने आपको जो योग अभ्यास बताया, आप वॉल के सपोर्ट से पैरों को थोड़ी देर ऊपर रखिए और जितनी देर आप पैर ऊपर ऊपर किस तरह से जाएंगे और कमर को ऊपर रखेंगे, तो कम से कम 15 से 30 सेकंड आपको इस तरह से करना है। उसके बाद आप वॉल के अगर बिना सपोर्ट से भी कर सकते हैं तो इस तरह से करिए, दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और कमर से अपने शरीर को ऊपर कर देंगे। सारा वेट आपके कंधों पर रहेगा, आपके हाथों पर रहेगा और आपकी बॉडी इस तरह से ऊपर लेगा। कम से कम 15 से 20 सेकेंड आप होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन में। फिर धीरे धीरे पैरों को इस तरह से नीचे ले जाएंगे और कमर को भी बोर्ड पे वापस ले आएंगे।
लोग आसन करते आ रहे हैं और उनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो वो आसन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधे लेट जाना है और अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना है। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, कम से कम 15 से 20 सेकेंड। तो आज मैंने जो योगा क्लास आपको बताया है, आपको रोजाना करना है कम से कम 10 से 15 मिनट। फिर देखिए आपका यूट्रस, आपकी मच्छरदानी, आपका गर्भाशय किस तरह से हेल्दी रहता है और अपनी जगह पे रहता है। इसके साथ साथ आसपास की जो मांसपेशियां हैं वह भी मजबूत बनी रहती है। और खासतौर पर लोगों में जो ये गलतफहमी है कि नॉर्मल डिलीवरी सबसे अच्छी होती है, सी सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद यह सब जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनसे हम बहुत वर्क करते हैं, उन पर बहुत जोर पड़ता है। और जब धीरे धीरे हम मांसपेशियों पर काम नहीं करते हैं या हम कोई एक्सरसाइज या योग नहीं करते, वो लूज होती जाती है, ढीली पड़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारा मच्छरदानी नीचे खिसकने लगती है। तो आप डिलीवरी के बाद 3 महीने बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने आपका शरीर फिर से हील हो गया है तो आप योग अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करिए, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करिए, फिर उसके बाद आप ये योग कर सकते हैं। नमस्कार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।